हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनीशा सिंह क्रिएशंस। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मैक्रम का वॉल हैंगिंग। आई होप आपको मेरी ये डिज़ाइन पसंद आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ पर हमें कुछ मैक्रम चाहिए, 7 नंबर का रिंग, लाइटर और एक अलग पर्पल कलर का, मैं अलग कलर का यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमें 1.5 मीटर का 4 कॉर्ड चाहिए। ये पहला 1.5 मीटर का कॉर्ड है, इसे सीधा हम दोनों साइड से पिनअप कर लेंगे एंड उसके ऊपर 3 कॉर्ड जो है अलग से अटैच करेंगे। तो जैसे अटैच कर रही हूँ उसी तरीके से अटैच करना है। ये तीनों कॉर्ड अटैच करने के बाद दोनों साइड से एक एक बार पाइपिंग कर लेना है तीनों कॉर्ड में। अब लास्ट वाले कॉर्ड से इस साइड से हम सारे कॉर्ड को पाइपिंग कर लेंगे। ऐसी ही एक लाइन पाइपिंग हो गया। सो इस साइड का एक कॉर्ड छोड़ देंगे एंड दूसरे कॉर्ड से सारे कॉर्ड को पाइपिंग करेंगे। ये फर्स्ट वाला जो इधर का कॉर्ड है इसको छोड़ना नहीं है, इसे भी पाइपिंग कर लेना है। अब साइड के एक और कॉर्ड छोड़ेंगे एंड फिर सारे कॉर्ड को पाइपिंग करेंगे। इसी तरीके तक से लास्ट तक पूरा पाइपिंग करते जाना है। जब यहाँ पर 4 टाइम्स मिल गया है नॉट, तो इसके बाद ये जो 2 नॉट मैं दे रही हूँ ये गलत है, ये नहीं देना है। ये आगे मैं खोल दूँगी तो ये आप भी खोल दीजिएगा अगर आप दे दोगे तो, बट ये नहीं देना है। ये फर्स्ट वाला जो कॉर्ड है इसे अब हम लोग फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए वाला जो कॉर्ड है इस साइड फोल्ड कर लेना है, इधर का 2 कॉर्ड पाइपिंग कर लेंगे इसके ऊपर। और ये जो 3rd कॉर्ड है इसमें हम मोती यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट फिर से यहाँ पर 1 कॉर्ड हम पाइपिंग कर लेंगे, इन दोनों को पाइपिंग करने के बाद ये जो 3rd वाला मोती है, सॉरी कॉर्ड है, इसमें एक मोती डालेंगे इन तीनों कॉर्ड्स में एक एक करके। तो ये मैं यहाँ पर मटका शेप का ग्रीन कलर का बीड्स यूज़ कर रही हूँ। तो ये फर्स्ट वाला कॉर्ड में एक मोती, एंड इस कॉर्ड को भी अच्छे से पाइपिंग कर लेंगे। थोड़ा सा टाइटली आपको करना है जिससे ये मोती अच्छे से सेट हो जाए। एंड आपको कोई भी कलर का मैक्रम मोती यूज़ कर सकते हैं अपने पसंद के अकॉर्डिंग। मैं डिज़ाइंस बताती हूँ सिर्फ,
एंड कलर कॉम्बिनेशन भी पूरी कोशिश करती हूँ, बट कभी कभी मेरे पास अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए मैं डिज़ाइंस बताना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। एंड आपको सारे डिटेल्स जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएंगे। सो इसे भी थोड़ा सा टाइटली हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। यहाँ पर तीन मोती लग के रेडी हो गया है, तो फिर ये एक और लाइन हम पाइपिंग करेंगे। अब जो यहाँ पर सीधा वाला जो कॉर्ड है, एक साइड से पिनअप हमें खोल देना है इस साइड से, और इसमें भी एक मोती डालेंगे एंड उसके बाद इस कॉर्ड को भी पाइपिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर टोटल 4 मोती जो है लग के रेडी मिलेगा। ये जो है बॉडी, स्वान का जो बॉडी है वो बन के रेडी हो गया है, पंख। एंड इसके बाद बहुत सारे कॉर्ड्स नीचे हैं तो उसका कोई यूज़ नहीं है, जो इससे 2 कॉर्ड है ऐसा स्वान हमें बनाना है। देखिए तो यहाँ पर जो 2 कॉर्ड है इससे सारे काम करने हैं अभी, इन दोनों पर ही ध्यान दीजिए। तो इस पर हम लोग सिंपल एक बार नॉट दे देंगे, सेम साइड से 2 बार नॉट देना है। सॉरी, यहाँ पर मैंने गलती से इसे ये कर लिया। ठीक है, अब जो है सेम कॉर्ड से लेफ़्ट एंड राइट जो नॉट लगता है, सेम कॉर्ड से एक बार लेफ़्ट साइड से एक बार राइट साइड से, तो वही वाला नॉट लगाना है। सो ऐसे ही कुछ दूर तक हमें लेफ़्ट एंड राइट नॉट लगा के रेडी करना है। तो यहाँ पर मैंने 13 टाइम्स नॉट लगा के रेडी करा है। ये देखिए 13 टाइम्स बन के रेडी हो गया है। ये वाला साइड जिधर एक कॉर्ड है, एक कॉर्ड बचा है, उस साइड हमें इसे फोल्ड कर लेना है। वो वाला जो कॉर्ड यहाँ पर बचा हुआ है उस कॉर्ड को, ये फर्स्ट वाले ऊपर वाले कॉर्ड, ये देखिए ये फर्स्ट वाला कॉर्ड, इसके ऊपर उस कॉर्ड को पाइपिंग कर लेना है।
यहाँ पर फेस बनाएंगे। तो ये बॉडी बन गया है। ये आईज़ के लिए मैं यहाँ पर ब्लैक कलर का मटका शेप का बीट्स यूज़ कर रही हूँ। आप दूसरा भी कोई ब्लैक कलर का बीट्स यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास यही था तो मैंने यही यूज़ किया। यहाँ पर सेम लेफ्ट एंड राइट नॉट लगाते हुए 4 टाइम्स 5 टाइम्स यहाँ पर नॉट लगा के रेडी करेंगे, जिससे कि स्वान का फेस बन जाएगा। देखिए 5 टाइम्स बन के रेडी हो गया। इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है जिससे कि ये फेस का शेप ले ले। ये फर्स्ट वाला जो ऊपर वाला कॉर्ड है, इसमें एक रेड कलर का मोती लेंगे जिससे कि इसका चोट बन जाएगा। और ये वाला ऊपर वाला जो कॉर्ड है, इसको कुछ नहीं करना है, जिस जो बॉडी है स्वान का उसमें इस तरीके से ऊपर से डाल के पीछे साइड से निकाल लेना है। और ये वाला कॉर्ड को कट करके यहाँ पर स्टिक कर लेंगे। सो एक्स्ट्रा जो और भी कॉर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले 2 कॉर्ड और नीचे के सारे कॉर्ड्स, उन सबको भी कट करके स्टिक कर लेना है। तो ये वाला कॉर्ड जो कट हो गया है, ये 2 साइड का हमें स्वान बनाना है। ये राइट साइड का स्वान मैंने बना करके आपको दिखाया, सेम लेफ्ट साइड का भी स्वान बनाना है। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर बॉडी बनाने के लिए जो लीव बनाया है वो राइट साइड से स्टार्ट किया था, उसको आपको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। तो ये दोनों साइड के स्वान बन के रेडी हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर 7 नंबर का एक रिंग ले रही हूँ और यहाँ पर डार्क पर्पल कलर का कॉर्ड यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने 2 मीटर का कॉर्ड यूज़ किया है, 10 कॉर्ड्स यूज़ किए हैं। तो इसे अटैच करने के बाद दोनों साइड से एक एक बार पाइपिंग कर लेंगे। तो ऐसे ही 10 कॉर्ड अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर 10 कॉर्ड अटैच मैंने कर लिया है। दोनों साइड 5 5 कॉर्ड ले लेंगे। तो ये फर्स्ट इस साइड का जो है बीच का पोर्शन, बीच वाले पोर्शन से फर्स्ट कॉर्ड लेंगे एंड फिर सारे कॉर्ड्स को पाइपिंग कर लेंगे।
सो ऐसे ही लास्ट का इस साइड का एक कॉर्ड छोड़ना है और फिर से सारे कॉर्ड को पाइपिंग करना है। फिर साइड से एक कॉर्ड छोड़ेंगे एंड फिर सारे कॉर्ड को पाइपिंग करेंगे। तो ऐसे ही लास्ट तक हमें करते जाना है नीचे तक, जहाँ तक कॉर्ड पाइपिंग होते होते ख़त्म ना हो जाए। सो ये देखिए यहाँ पर ये ख़त्म हो गया है। तो लास्ट एक और कॉर्ड छोड़ेंगे, यहाँ पर दो कॉर्ड बचेंगे तो इन दोनों को भी पाइपिंग कर लेंगे। अब जो है फर्स्ट वाला कॉर्ड को इस साइड से फोल्ड करना है। तो ये दो नॉट हम दो कॉर्ड को हम इसमें पाइपिंग करेंगे। फिर से आगे वाले कॉर्ड को पाइपिंग करना है। तो ये दोनों कॉर्ड भी मेरा पाइपिंग हो गया है। तो उसके बाद ये वाला जो फर्स्ट कॉर्ड है इसमें एक मोती यूज़ करूँगी मैं, तो यहाँ पर ग्रीन कलर का मटका शेप का मोती यूज़ करना है। तो ये वाले कॉर्ड को भी पाइपिंग करेंगे। फिर फर्स्ट वाले कॉर्ड से सारे कॉर्ड को पाइपिंग करेंगे और उसके आगे जो है सारे कॉर्ड्स में मोती डाल के पाइपिंग करते जाएंगे। ये देखिए इसमें भी, एंड ये जो है कि एकदम लूज़ आपको नहीं करना है, थोड़ा सा टाइटली करना है जिससे कि शेप इसका अच्छा बैठेगा। ये देखिए थोड़ा सा टाइट ऊपर करके थोड़ा सा टाइट करिए एंड उसके बाद इसे पाइपिंग करिए। ऐसे ही सारे कॉर्ड में मोती डालते जाएंगे और लास्ट तक पाइपिंग करते जाएंगे। ये देखिए पूरे लास्ट तक बन के रेडी हो गया एक साइड का। अब दूसरे वाले साइड का जो है ये वाला कॉर्ड, पहले हमने इस साइड से लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया था, तो इसको हम लोग इधर राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। और ऐसे ही सेम तरीका है जैसे इधर बना था वैसे ही बनाना है। तो उस साइड भी आप उसी तरीके से बना के रेडी कर लीजिए। बस पाइपिंग जो है इस साइड से नहीं, लेफ्ट साइड से नहीं, राइट साइड से देना है।
और फिर इस साइड से एक कॉर्ड छोड़ देंगे, ऐसे पाइपिंग करते जाएंगे। तो ये सेम मैंने इधर भी बना के रेडी कर लिया। अब ये जो दोनों साइड के कॉर्ड्स हैं, इन दोनों को एक दूसरे में अटैच करना है। अटैच करने के बाद जो दोनों साइड से कॉर्ड हमें मिल रहा है, ये दोनों साइड दोनों तरफ हमें पूरे कॉर्ड्स को पाइपिंग करना है। इसी साइड से पूरे कॉर्ड को पाइपिंग करेंगे और इस साइड सेम ये वाले कॉर्ड से सारे कॉर्ड को पाइपिंग करेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके दिखा रही हूँ, इसे पूरे लास्ट तक करना है। तो ये पूरे लास्ट तक हो गया। अब मैं यहाँ पर एक पर्पल कलर का एक 1.5 मीटर का कॉर्ड ले रही हूँ, इसे इस रिंग में इस तरीके से रखेंगे एंड पाइपिंग करेंगे, जैसे जैसे कॉर्ड अटैच करते हैं उस तरीके से। एंड सेम लेफ्ट एंड राइट नॉट लगाना है। सो ये एक बार जो है कि नॉट लग के रेडी हो गया है। अब ये फर्स्ट वाले कॉर्ड में यहाँ पर मैं येलो कलर का बीड्स यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर कलरफुल बीड्स यूज़ करना है, आपके पास जितने भी कलर के बीड्स हैं वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। फिर से ये मोती लगाने के बाद सेम लेफ्ट एंड राइट नॉट लगा के रेडी करेंगे। यही सेम प्रोसेस पूरे रिंग को कवर करने में हमें यूज़ करना है। यहाँ पर येलो लगाया था मैंने, अब यहाँ पर मैं यहाँ पर पर्पल लगा रही हूँ ऐसे ही। मेरे पास जितने भी बीड्स अवेलेबल हैं वो सारे इसमें रिंग में अटैच करूँगी। अब रेड ग्रीन तो ऐसे ही सेम पूरा रिंग कवर कर लिया है मैंने। ये देखिए ये पूरा रिंग कवर कर लेना है, तो ये पूरा रिंग कवर कर लिया। अब पीछे के जो इधर से कॉर्ड हैं, इन दोनों कॉर्ड को कट करके स्टिक कर लेंगे। और इधर नीचे के जो सारे कॉर्ड्स हैं इन्हें भी हम कट करेंगे। ये साइड के दोनों कॉर्ड को भी कट करना है, स्टिक कर लेना है। और नीचे के भी दोनों साइड से मैं दो दो कॉर्ड जो है कि हटा दूंगी। ये सारे कॉर्ड हम जितना आपको लंबा चाहिए उतना लंबा आप इसे कट कर लीजिए। तो ये मैं कुछ दूर तक कट कर रही हूँ। एंड दोनों साइड से कॉर्नर के साइड से जो है कि मैं दो दो कॉर्ड हटा रही हूँ यहाँ पर।
ये देखिए दोनों साइड से दो दो कॉर्ड हटा दिया। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको एक बीट्स यूज़ करना है, यहाँ पर मैंने बीट्स यूज़ नहीं दिखाया है बट करना है। एक बीट्स एंड बेल्स, एंड उसके बाद इन दोनों कॉर्ड को स्टिक कर लेंगे। यहाँ पर एक बीट्स, तो यहाँ ये भी मल्टी कलर का यहाँ पर बीट्स में यूज़ कर रही हूँ, बीट्स एंड बेल्स। तो ये सारे कॉर्ड्स जो हैं यहाँ पर अटैच हो गए हैं। ये मैंने स्वान अटैच किया, तो कुछ खास यहाँ पर अटैच करने के लिए नहीं किया। अलग से कॉर्ड लीजिए एंड इसके अंदर घुसा लीजिए, एंड पीछे साइड से आपको एक गांठ दे देनी है। दोनों साइड मैंने सिर्फ यह किया है और कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। आई होप आपको मेरी ये डिज़ाइन पसंद आए, ये स्वान का जो सो पीस है वो पसंद आए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।